कर दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस और जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस के दोनों कंपैरिजन वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फटाफट। तो बात करें दोस्तों भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 22405/06। ये ट्राई वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि भागलपुर जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से आनंद विहार टर्मिनल जो पड़ता है दिल्ली में, इसके बीच चलती है। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर ट्रेन आती है। अब बात करते हैं जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12569/70। ये एक बाई वीकली एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि जयनगर जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है जो कि दिल्ली में है। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर ये ट्रेन आती है। अब बात करें भागलपुर गरीब रथ के डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये करीबन करती है 1210 किलोमीटर का, वो भी 19 आवर्स में। इसके करीबन 16 स्टॉप्स हैं, जबकि जयनगर गरीब रथ जो है 1252 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो 20 आवर 30 मिनट्स में। इसके करीबन 19 स्टॉप्स हैं। कोचेस की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही ट्रेन में ICF रेक्स के कोचेस यूज़ होते हैं, जिसमें से AC थर्ड इकोनॉमी क्लास और 2 EOG का यूज़ होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग स्पीड की, तो भागलपुर गरीब रथ की है 65 KMPH में इंक्लूडिंग हॉल्ट और 120 KMPH मैक्सिमम, जबकि जयनगर गरीब रथ की है 61 KMPH में इंक्लूडिंग हॉल्ट और 120 KMPH मैक्सिमम। रूट्स या हॉल्ट की बात करें दोस्तों, तो भागलपुर गरीब रथ जो है भागलपुर से निकल के सुल्तानगंज, जमालपुर, क्यूल, पटना जंक्शन, मुगल सराय, अलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है, जबकि जयनगर गरीब रथ जो है जयनगर से निकल के दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, पटना, मुगल सराय, अलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए तो दोनों ही जो स्टेशन पड़ते हैं भागलपुर और जयनगर, दोनों ही इलेक्ट्रिफाइड रूट पे नहीं हैं। तो पहले भागलपुर गरीब रथ की बात करूँ तो जमालपुर शेड WDM3A का लोको यूज़ होता है भागलपुर से मुगल सराय तक। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद शेड का या मुगल सराय शेड का कोई सा Web 7 का लोकोमोटिव या Web 4 का लोकोमोटिव यूज़ होता है टिल यहाँ तक, आनंद विहार तक। अब बात करें गरीब रथ की, तो जयनगर टू बरौनी जो है समस्तीपुर शेड का WDM3A का लोकोमोटिव यूज़ होता है। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद शेड और मुगलसराय शेड का Web 4 या Web 7 का लोकोमोटिव यूज़ होता है टिल आनंद विहार तक। टाइमिंग्स की बात करें दोस्तों, तो भागलपुर गरीब रथ जो है 22405 भागलपुर से हर ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह के दिन में 1:30 पर निकलती है और अगले दिन सुबह 8:20 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाती है। फिर 22406 जो है आनंद विहार टर्मिनल से मंडे, वेनस जो फ्राइडे को निकलती है शाम में 4 बजे और अगले दिन भागलपुर 11 बजे सुबह पहुंच जाती है। अब बात करते हैं जयनगर गरीब रथ की, तो ये हर मंडे और फ्राइडे को निकलती है 12 बजे दिन में जयनगर से और अगले दिन 8:20 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुँचती है। फिर 12570 जो है आनंद विहार टर्मिनल से ट्यूसडे और सैटरडे को निकलती है शाम में 4:25 पे और अगले दिन जयनगर 1:35 पे दिन में पहुंच जाती है। तो ये तो थी दोस्तों पूरी ट्रेन की जानकारी। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग्स के ऊपर। क्लीननेस की बात करूँ तो दोनों ट्रेन में आपको क्लीनिंग अच्छी मिलेगी। पंचुअलिटी की बात करूँ तो भागलपुर गरीब रथ से अच्छी जयनगर गरीब रथ है पंचुअलिटी के मामले में। अब बात करते हैं दोस्तों टिकट अवेलेबिलिटी की, तो दोनों में आपको टिकट ईजिली नहीं मिलेगी। अगर रश आवर है या फिर कोई फेस्टिवल का सीज़न है तो आपको दोनों में से किसी ट्रेन में आपको टिकट जल्दी नहीं मिलेगी, तत्काल का ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। सेफ्टी की बात करें तो दोनों में सेफ्टी अच्छी है। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो भागलपुर गरीब रथ को मैं रेटिंग दूंगा 3.4 क्योंकि उसके पंचुअलिटी के ऊपर लेकर, और अगर मैं बात करूँ जयनगर गरीब रथ की इसको मैं 3.9 दूंगा क्योंकि उसकी पंचुअलिटी अच्छी है। मान के चलो 1:30 बजे का टाइम है तो करीबन कम से कम 3 बजे तक ये स्टेशन पहुँच जाती है, जबकि भागलपुर गरीब रथ रात में 9-10 बज जाते हैं ठंड के टाइम में, तो ऐसा हाल रहता है इस ट्रेन का। तो आज के डेट में